पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से नौजवानों के लिए। माननीय वित्त मंत्री ने बजट के भाषण में जिस बात पे बल दिया और जिस योजना की का उन्होंने जिक्र किया, आज उसी योजना से जुड़ी जो हमारी स्कीम है उसका उद्घाटन हमने किया। स्किल लोन पहले सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की सीमा थी, उसे 7.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले सिर्फ कुछ ही सीमित बैंक्स की भागीदारी इसमें थी, आज जो RRBs हैं, शेड्यूल बैंक्स हैं, जो ग्रामीण देहात के क्षेत्रों में भी बैंक की शाखाएं हैं, जो NBFCs हैं जिनका बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ी पहुंच है, उनको भी इस योजना से जोड़ा गया है। पहले सिर्फ NSQF अलाइंट कोर्सेज जो थे, जो अप्रूव्ड कोर्सेज थे, उन्हीं को रखा जाता था। अब हमने कहा है कि जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, जो MNCs हैं, जो बड़े ट्रेनिंग और शिक्षण संस्थाने हैं, जो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको सिद्ध पर डाला जाए, और अगर कोई लाभार्थी आना चाहता है उसको 7.5 लाख रुपये तक का लोन हम देंगे। और ये भी हमें समझना होगा कि लागत बढ़ती जा रही है, जो फ्यूचर स्किल्स की डिमांड अब इंडस्ट्री से आ रही है, इंडस्ट्री 4.0 की हम बात कर रहे हैं, और आने वाले 10 साल में मशीन लर्निंग, AI, अब हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजीज जिस स्पीड से आ रही हैं, उसके लिए हमें कौशल विकास के अपने सिस्टम्स को भी देखना होगा। और नौजवानों की डिमांड बढ़ चढ़ कर आ रही है इन फील्ड्स में। आज सरकारी स्कूलों में भी, केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में भी AI की ट्रेनिंग का, कौशल विकास का काम चल रहा है। लेकिन इन सब के जो स्कीम्स के जो कोर्सेज होते हैं वो महंगे होते हैं। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाएंगे, प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी देश में चल रही हैं, वहाँ आप पता करेंगे तो बहुत महंगा है। तो आम छात्र के पहुँच से वो चीज़ें बाहर थीं, अब उन्हें सुलभ किया गया। 75% गारंटीड है, तो एक तरह से जो रिस्क होता है बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसको हमने कम किया गया है, उसका ख्याल किया है। और जब रिस्क कम होगा तो बैंक जो है अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो हमने उसको भी हमने कैप किया है कि कोई ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना लिया जाए, मार्केट अलाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे छात्र इसकी सुविधा ले सकते हैं। तो होता ही, ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, कभी कभी लोग बजट जैसा भी हो कैसा भी हो एक रटा भाषण दे देते हैं कि मिडिल क्लास नाराज़ है और गरीब खफा है और किसान के लिए कुछ नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि बजट के सिर्फ स्पीच पे ना जाएं, स्पीच को तो देखें ही, बेहतरीन स्पीच थी, लेकिन बजट के जो दस्तावेज़ हैं वो सब खासतौर से MPs को पढ़ना चाहिए। जो सोच के मैं NDA में आया था और जो मैं करना चाहता हूं, उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत बड़ा आशीर्वाद और विश्वास हमारे मंत्रालय पर दिया है, और ये विश्वास मुझ पर नहीं, देश के नौजवानों पर प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। वित्त मंत्री के अब तक के जितने बजट ये भाषण हुए हैं आज़ादी से लेके अब तक, अगर आप अवलोकन करेंगे, पहली बार किसी वित्त मंत्री ने 14 बार कौशल विकास की बात अपने बजट के भाषण में की है, 24 बार उद्यमता की बात की है, रोज़गार की बात की है, नौजवानों की बात की। तो ये एक संकेत, नाम एक पहचान का हिस्सा होता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैं उदाहरण आपको देता हूँ। कभी कभी हम जब शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं तो कुछ राज्य में जो विपक्षी पार्टी हैं वो विरोध करती हैं कि आप केंद्रीकरण कर रहे हैं और आप भाषा को हम पे थोप रहे हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हम काम कर रहे हैं, 22 शेड्यूल्ड भाषाओं में, जो देश की भाषाएं हैं, पहली बार तेलुगु में, तमिल में, मैथिली में, बंगाली में, मराठा में, मणिपुरी में, इन सब भाषाओं में जो करिकुलम है वो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इससे पहले कभी आज़ादी के बाद किसी केंद्र सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, उन भाषाओं में जो हमारी कक्षा की किताबें हैं, बच्चों की किताबें, उपलब्ध नहीं कराई। तो नाम और भाषा में बहुत कुछ होता है।